सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने आज ही के दिन 2016 में बिहार में शराब बंद करने का फैसला किया था। इस हिसाब से शराबबंदी की आज 5वीं सालगिरह है। इस नेक काम पर तो सरकार को जलसा करना चाहिए था, मगर बिहार में तो इस समय मातम पसरा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि बिहार में जहरीली शराब पीने से 4 जिलों में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मातम बिहार के नवादा जिले में पसरा है। यहाँ एक दिन में शराब पीने से 12 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले में समय रहते संज्ञान लेती तो कईयों की जान बचाई जा सकती थी। वही इस मामले के सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आरजेडी ने कहा कि तथाकथित शराबबंदी वाले राज्यों में शराब पीने से जितने लोग मर रहे हैं उतने पूरे देश में शराब पीने की छूट होने पर भी नहीं मर रहे। ऐसी फेल शराबबंदी का राज्य को क्या लाभ मिल रहा है? आपको बताते चले कि बिहार में आए दिन जगह जगह शराब की तस्करी की खबरें आती रहती है। इस सब को लेकर न्यूज 24 ने कुछ दिन पहले बिहार में ऑपरेशन साइलेंट चलाया था, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखा गया था।